बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमने चेजिंग ड्रीम्स की रीडिंग कर ली थी, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो आइए हम कॉम्प्रिहेंशन की तरफ चलते हैं बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए। एक्सरसाइज वन, क्वेश्चन नंबर वन सेज रीड द टेक्स्ट एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन नंबर वन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, राइट देयर नेम्स। आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसमें 9 कैरेक्टर्स है, जमील, हिज सिस्टर सारा, देयर फादर, देयर मदर, खालिद, आंट सदूरी, अलादीनो, नूर अली एंड जमील्स वाइफ। ठीक है, तो ये 9 कैरेक्टर्स के आप नाम लिख देंगे। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज टू, इसमें आपको ये बताना है ये डायलॉग्स के स्पीकर्स कौन है, किसने ये डायलॉग्स कहे हैं। नंबर वन, यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट। ये किसने कहा था? जमील के फादर ने। ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग्स फॉर देयर फैमिलीज। नंबर टू, ये किसने कहा था? ये जमील ने कहा था। नंबर थ्री, वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी, हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ते। ये किसने कही थी बात? खालिद ने। नंबर फोर, वी कैन आस्क अल्लाह बचाओ टू टेक यू टू द सिटी इन हिज हॉर्स कार्ट, हम उनसे कह सकते हैं कि वो तुम लोगों को शहर ले जाया करें। किससे? अल्लाह बचाओ से। किसने कहा था? जमील्स मदर। नंबर फाइव, यू पीपल हैव डन सो मच फॉर मी, आई थिंक नाउ इट्स टाइम, इट्स माई टर्न टू रिटर्न द फेवर। ये कौन आई थी खातून बीच में? ये कहा था अर्न सदूरी ने, और भी उन्होंने कुछ और ऑफर किया था। कैन आई रियली गो एंड स्टडी इन द सिटी, क्या वाकई में जा सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ शहर में? सारा। नंबर सेवन, जमील कैन गो बट सारा शुड स्टे हेयर एंड हेल्प हर मदर, उसको अपनी माँ की हेल्प करनी चाहिए। ये बात किसने कही थी? जमील्स फादर। नंबर एट, ओके सन आई विल फॉलो योर एडवाइस, हाँ ठीक है बेटा मैं आपकी बात पे गौर करूंगा। नंबर एट, ये बात किसने कही थी? नूर अली ने। नंबर नाइन, नो देर आर नो मोर पेशेंट्स, अब कोई और मरीज नहीं है, दिस वॉज अलादीनो। नंबर टेन, कम ऑन लेट्स हैव लंच, चलो आ जाओ खाना खाते हैं, किसने कहा था? जमील्स वाइफ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सारे लिख लेंगे। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज थ्री, बहुत ही आसान है। इसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके मीनिंग्स आपको तलाश करके लिखने हैं। तो पहले आप इनके मीनिंग्स डिक्शनरी में ढूंढिए, नहीं मिले तो आपकी बुक के आखिर में ग्लॉसरी दी हुई है ए टू जी। ठीक है, पेज नंबर 216 पर आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर ढूंढिए, आपको सारे मीनिंग्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। उर्दू में मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ। शैबी कहते हैं बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होना, कोलैप्स्ड मीन्स गिर जाना, रिलक्टेंटली बहुत ही हिचकिचाते हुए, प्री ऑक्यूपाइड ख्यालात में डूबा हुआ, ऑब्लिगेटरी जो चीज़ कंपलसरी हो, ज़रूरी हो, सिबलिंग्स भाई बहन को कहते हैं रियलाइज, किसी चीज़ का एहसास करना, वेदर्ड कहते हैं कमज़ोर नातमा को, इम्प्रेसिव बहुत ही मुतासर कुन, बैकड्रॉप कहते हैं बैकग्राउंड पस मंज़र, होस्टेड किसी की मेज़बानी करना, बॉर्न मीन्स बर्दाश्त करना। इन्हीं वर्ड्स की मदद से एक्सरसाइज नंबर फोर में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द ओल्ड वुमन रिलक्टेंटली गॉट अप फ्रॉम हर बेड, शी हैड डैश मैनी डिफ़िकल्टीज, शी हैड बॉर्न, उसने बर्दाश्त की थी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, बट नाउ हर डैश हैंड्स वेदर्ड हैंड्स, उसके नातवा हाथ, कुड नॉट लिफ्ट हैवी थिंग्स, अब वो भारी चीज़ें नहीं उठा सकते थे। शी गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, एज शी लुक्ड अ स्माइल केम टू हर लिप्स व्हेन शी सॉ द बिग डैश ब्यूटिफुल लॉन, व्हेन शी सॉ बिग इम्प्रेसिव ब्यूटिफुल लॉन विद प्लांट्स एंड क्रीपर्स एंड मैंगो ट्रीज सर्विंग एज अ बैकड्रॉप। ठीक है, पस मंजर में उसको मैंगो ट्रीज नजर आ रहे थे। She dashed on her bed once again. She collapsed. वो फिर से गिर गई अपने बिस्तर में क्योंकि बहुत ही नातवा थी। And became dashed with her thoughts. And became preoccupied. अपने ख्यालात में फिर से खो गई। She thought of her dash old house. Shabby. ना एक ऐसा खस्ता हाल घर को सोचने लगी। Her five siblings अपने पांच बहन भाइयों को सोचने लगी। एंड हाउ दे ऑलवेज यूज टू ऑफर देयर डैश प्रेयर्स, कैसे वो अपने फ़र्ज़ नमाजें पूरी करते थे, पढ़ते थे
She also recalled how her mother always hosted meetings. कैसे उसकी माँ जो है वो मेज़बानी करती थी मीटिंग्स फॉर द विलेज वेमेन टू टीच देम वेरियस स्किल्स. शी थॉट अबाउट हाउ शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ओनिंग अ बिग हाउस विद अ बिग गार्डन. थिंकिंग ऑफ दीज टाइम्स एंड द लाइफ शी हैड नाउ शी थैंक्ड गॉड फॉर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर हर टू रियलाइज हर ड्रीम्स. उसके ख्वाबों को पूरा करने के लिए. रियलाइज का मतलब किसी चीज़ को सच कर दिखाना. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 5, राइट शॉर्ट आंसर्स. कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते हैं. तो हाथों में पेंसिल रख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए इनके आंसर्स. व्हाट वाज जमील्स फादर डूइंग व्हेन ही केम होम. जब फादर घर आए तो व्हाट ही वाज डूइंग. व्हेन जमील केम होम हिज फादर वाज ड्रिंकिंग टी. वेयर डिड द फैमिली हैव डिनर. द फैमिली हैड डिनर इन द मिडल ऑफ द यार्ड वेयर जमील एंड हिज फादर वाज टॉकिंग. वेयर डिड जमील एंड सारा गो टू स्टडी. कहाँ पढ़ने गए थे. जमील एंड सारा वेंट टू द सिटी टू स्टडी. वेयर डिड दे बिल्ड द हॉस्पिटल. कहाँ उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था. दे बिल्ड द हॉस्पिटल इन देयर विलेज एंड अमिडस्ट ग्रीन फील्ड्स. ग्रीन फील्ड्स के बीच में. नंबर 5, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड सारा हैव. सारा के कितने बच्चे थे. सारा हैड 2 चिल्ड्रन, दो बच्चे थे. विच व्हीकल डिड दे ट्रेवल इन. और किस व्हीकल में वो ट्रेवल करते थे. दे ट्रेवल्ड इन हॉर्स कार्स. वो घुड़सवारी किया करते थे, घोड़ों में ट्रेवल करते थे. तो ये सारे आंसर्स आप जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए माई स्टूडेंट्स. ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 6 में थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं हमारे पास, इनको भी हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू यू थिंक नोबडी स्पोक व्हाइल ईटिंग डिनर. कोई भी बात क्यों नहीं कर रहा था. वी शुड नॉट टॉक टू मच व्हाइल ईटिंग. दे डिडंट स्पीक व्हाइल ईटिंग डिनर बिकॉज दे ऑल रियलाइज दैट जमील वॉज अ लिटिल मोर अपसेट. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वॉज जमील अपसेट. अपसेट क्यों था. जमील वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड देर वॉज नो कॉलेज इन हिज विलेज और सराउंडिंग विलेज एंड ही वॉज वरीड अबाउट कंटिन्यूइंग हिज स्टडीज. कोई भी उनके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी पढ़ने की विलेज के अंदर. व्हाई डू यू थिंक सारा ट्राइड टू हाइड फीलिंग्स. उसने अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश की क्योंकि सारा न्यू दैट हर फादर कुड नॉट अफोर्ड द एजुकेशन कॉस्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन. हर डेप्रिवेशन मेड हर क्राई बट शी न्यू दैट हर फादर वुड बी सैडन्ड बाय हर टीयर्स. शी हिड हर फीलिंग्स टू सेव हर फादर फ्रॉम फर्दर ग्रीफ. अपने आप को, अपने वालिद को गम से बचाने के लिए उसने अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया. बोथ सारा एंड जमील हैड टू पास एवरी टेस्ट इन द फर्स्ट रो. व्हाई वाज इट सो. सारे टेस्ट उनको पहली दफ़ा में पास करने थे, ऐसा क्यों. सारा एंड जमील हैड टू पास एवरी टेस्ट इन द फर्स्ट रो बिकॉज देयर पेरेंट्स वर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स टू पे फॉर देयर एजुकेशन. इन एडिशन दे हैड टू गिव ट्यूशंस टू चिल्ड्रन फॉर द एजुकेशन एक्सपेंसेस. Failing the exam meant repeating that academic year, and repeating the academic year meant reimbursing the entire year's expenses. ज़ाहिर सी बात है, अफोर्ड वही कर सकते हैं जिनके पास पैसा हो. इनके पास तो वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो ये फेल होना कैसे अफोर्ड कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड सारा एंड जमील एंड देयर फैमिली मैनेज एक्सपेंसिस फॉर दिस स्टडीज. कैसे मैनेज किया फिर इतने कम रिसोर्सेज के अंदर. सारा जमील एंड हर फैमिली फेस मैनी डिफिकल्टीज इन हार्डशिप फॉर पेइंग देयर एजुकेशन अलॉन्ग विद दिस स्टडीज. सारा एंड जमील गिव ट्यूशन टू चिल्ड्रन टू कवर सम एक्सपेंसिस. हिज फैमिली ऑल्सो सोल्ड अ लार्ज पीस ऑफ देयर फर्टाइल लैंड टू पे द फी ऑफ द मेडिकल कॉलेज. इस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेंसिस को पूरा किया. क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड लाइफ चेंज फॉर जमील्स फैमिली एंड द विलेजर्स. तो इसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो गई. जमील एंड सारा फुलफिल देयर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग डॉक्टर्स. दे बिल्ट अ हॉस्पिटल इन द विलेज. द पीपल ऑफ द विलेज गॉट द फैसिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट एट अ लो कॉस्ट. दे डिडंट नीड टू गो टू city for treatment anymore. Jameel and Sarah became doctors and increased their family's wealth and dignity and fulfilled their desire to help the people of the village. Is tarah unki zindagiyan bilkul badal gayi. How was Sarah educating the village women? Ab wo kis tarah se jo hai wo gaon ki khawateen ko padha rahi hai. Sarah was educating the village women by hosting successful seminars for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. theek hai, इस तरह से वो सेमिनार्स कंडक्ट करके जो वहाँ की खवातीन हैं उनको एजुकेट कर रही है. व्हाट लेसन्स डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी. हमें क्या लेसन मिलता है इस स्टोरी से. दिस स्टोरी गिव्स अस अ लेसन दैट वी शुड नॉट गिव अप आवर ड्रीम्स इन एनी वे. कभी हार नहीं माननी चाहिए. वी मस्ट फाइट बैक सिचुएशंस. एवरी डिफिकल्टी एंड ट्रबल मस्ट बी फेस्ड विद करेज. वी डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड. वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर आवर एम्स बिकॉज ईज कम्स
आफ्टर एवरी डिफ़िकल्टी, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है फ़इन्ना मअल उस्री युसरन, इन्ना मअल उस्री युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, और यही फिनोमेना ऑफ लाइफ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए समरी भी देख लेते हैं इस चैप्टर की, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन होता है आपके पेपर्स के अंदर, तो ये देख लीजिए। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉय जमील हु बिलोंग्स टू पुअर फैमिली एंड हिज सिस्टर सारा हु वर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर डिस्पाइट पासिंग द एग्जाम बिकॉज देयर इज नो कॉलेज इन हिज विलेज और इन द सराउंडिंग विलेज। Jameel dreams of becoming a doctor and opening a hospital in the village, while his sister also dreams of becoming a doctor. An old friend of his family, Aunt Saduri, offers them to stay with her in the city so that the two siblings can continue their education. Right? Her father allows Jameel but does not allow Sarah because of her expenses, so his brother Khalid encourages the father not to worry about the expenses. The two siblings go to city to study in first in college and then in medical college. They give tuitions to children to cover their expenses, work very hard and endure many hardships. Their family also faces many difficulties in fulfilling their dreams and sell fertile lands to pay their fees. After 12 years of hard work, Jameel builds a hospital in the village which benefits his village and the surrounding villages. His sister helps him in his work as a doctor, and she also works on the health and hygiene of the village women. Seeing his dreams come true, Jameel is thankful to God and considers himself blessed. ठीक है, ये हमारा हो गया summary. यहाँ पर हमारी comprehension end होती है students. Chasing dreams के हमने question answers, समरी और एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लें। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और चैनल पर बने रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।